आज बिहार में इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत हुई। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने बस को हरी झंडी दिखाई और कहा ये बसें ट्रेन ड्राइवरों से लैस होगी जिससे सड़क हादसों में कमी आएगी। सबसे बड़ी चीज है कि लोगों के लिए शुरुआत करें कि बेहतर स्थिति हो, देखें और इसको भीतर देखें हैं तो कितना ज्यादा ऑटोमेटिकली एक एक चीज का परिचालन और जो गाड़ी चलाने वाले हैं और गाड़ी को मेंटेन करने वाले हैं सब ट्रेन की, इस तरह से अगर ट्रेन रहेंगे तो एक्सीडेंट की संभावना घटेगी। लेकिन जैसे ही सीएम नीतीश कुमार ने अपनी बात कंप्लीट की और बसें बिहार विधानसभा परिसर से बाहर निकली, उसी दौरान सीएम नीतीश कुमार के दावे फेल हो गए और बस विधानसभा की दीवार से टकरा गई। देखिए जिस ट्रेन ड्राइवर के भरोसे सीएम नीतीश कुमार दावा कर रहे थे कि बिहार में सड़क हादसों में कमी आएगी, उसका क्या हश्र हुआ है।